हे गाइस, अगेन आई एम बैक। गाइस, आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ, जो कि अपडेट एंड्रॉयड 10 MIUI बेस्ड 11 पे आपको जो है मिल रहा है रेडमी के K20 डिवाइस में। जी हाँ गाइस, Xiaomi का ये नया अपडेट जो है आफ्टर कोरोना वायरस, मतलब ये जो कोरोना वायरस था इसकी वजह से जो है अपडेट आपको ऑफिशियल Xiaomi का अपडेट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन गाइस, आप जो है Xiaomi का ये नया अपडेट आने के बाद कई सारे डिवाइसेस में देखने को मिल जा रहा है। तो भाई लोग, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैंने जो है एक पहली वीडियो बनाई हुई थी MIUI 11 अपडेट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैटरी काफी ड्रेन हो रही थी। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये Xiaomi का नया अपडेट आया हुआ है। इसी अपडेट के बारे में आपको जो है 5 जो है नए ऐसे फीचर बताने वाला हूँ, जो कि कई सारी बग्स जो है फिक्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, और कई सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, और जो है वीडियो को शेयर कर दो सबसे पहले, क्योंकि जितने भी आपके Xiaomi के फ्रेंड्स हैं सबको पहले शेयर करो। ये नया अपडेट आ चुका है, जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो रही है, टेंशन मत लो गाइस। और जो है सबसे पहले आपको बता दूं, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, आपके वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बता दूं, ये जो नया अपडेट आया हुआ है Xiaomi का, ये अपडेट सबको जो है Redmi के कई सारे फोन्स में मिल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो Xiaomi Redmi K20 यूजर्स को मिल रहा है, और इस अपडेट में आपको बता दूं, ये अपडेट का वर्जन है 11.0.2.0। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये उसी वर्जन पे है, एंड्रॉइड 10 MIUI बेस्ड 11 पे ही है। लेकिन इसमें जो है कई सारी बग्स जो है फिक्स की गई हैं, इस वजह से ये जो नया जो रोल आउट हुआ है ये अपडेट आपको जो है मिल रहा है Redmi K20 के यूजर्स को। तो आइए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, यूजर्स कई बार आप फेस कर रहे होंगे कि आप जो है नोटिफिकेशन सेट में आप देखते होंगे आपको दो ऑप्शन मिलता होगा, एक आपको जो है MIUI का मतलब स्टाइल मिलता होगा, और दूसरा आपको एंड्रॉयड का स्टाइल मिल रहा था। उस टाइम आपको जो है कई बार प्रॉब्लम वो सही से मतलब ठीक ठाक काम नहीं करता था, लेकिन इस अपडेट के आने के बाद वो दोनों स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से। काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है वहाँ पे, आप जाके आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन सेट को, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस, बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। दूसरा फीचर क्या है मैं आपको बता दूँ गाइस, आप कई बार देखते होगे जब आप अपना जो है गैलरी का फोटो स्क्रॉल करते होगे, उसमें कई बार आपको जो है फोटो ओवरलैप हो रहा होगा। कितने भी फोटो आप जो है स्क्रॉल कर रहे होगे अपने जो है गैलरी में, वहाँ पे कई सारी फोटो एक के ऊपर एक चढ़ जा रही थी, जो है ओवरलैपिंग कई बार मतलब वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में ये अपडेट जो है नया निकल के आया है, और इस अपडेट में आपको प्रॉब्लम एकदम फिक्स कर दी गई है, एकदम स्मूथ चल रहा है डिवाइस, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, और कोई भी ओवरलैपिंग आपको गैलरी में नहीं देखने को मिलेगी। और जो तीसरा इसमें जो है नया फीचर आपको बता दूं, ये फीचर नहीं है गाइस, ये सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि जनवरी 2020 का है। जी हाँ गाइस, आपको इस नए अपडेट में जनवरी 2020 का जो है सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। अब चौथे फीचर की बात करेंगे, चौथे फीचर एक नया इंक्लूड किया गया है, उसमें एक काम किया गया है जो कि सिक्योरिटी ऑप्शन जो है उसमें आपको जो है एक पेमेंट मोड का ऑप्शन दे दिया है। तो पेमेंट मोड आप देख सकते हो, वहाँ से जाके सिक्योरिटी में जाके आप जो है पेमेंट मोड देख सकते हो, नीचे जाके आप देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि पांचवा फीचर क्या है। पांचवा फीचर आपको सबसे पहले बता दूं गाइस, मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई थी अपने चैनल पे, आप वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कई बार जो है आप देख रहे होगे कि बैटरी आपकी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, आप वीडियो एक बार जाके देख लो उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो बैटरी कई बार ड्रेन हो रही थी, मैंने उस वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि Xiaomi का ऑफिशियल कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है। ये नया अपडेट आपको जो है रोल आउट कर दिया गया है, आपको मिल रहा है Xiaomi के सारे डिवाइसेस में। अभी जो फिलहाल Xiaomi का ये K20 के लिए दिया गया है और सब डिवाइसेस में मिलेगा, परेशान मत रहो। तो इसमें जो है बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी हद तक सही हो गई है। जहाँ गाइस, इसमें जब पहला अपडेट आया हुआ था उसमें काफ़ी बैटरी ड्रेन हो रही थी, लेकिन अब जो है गाइस इसमें बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो गाइस, कितनी अच्छी बात है, ये जो है काफ़ी मतलब Xiaomi जो है, मैंने आपसे बोला था कि Xiaomi जो है एक नया अपडेट लेके आएगा, और आपको मैंने बताया भी था उस जब भी लेके आया मैं आपको वीडियो दे दूंगा अपने चैनल पे। तो देख सकते हो गाइस, मैंने आपको फीचर के साथ इस वीडियो में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये अपडेट लाया हुआ है Xiaomi ने। अब बात आती है गाइस, वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस अपडेट से, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो एक ही प्रॉब्लम है, जो कि हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ गाइस, अभी जो अपडेट आ चुका है इसको अपडेट करने के बाद जो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का वर्क जो है स्लो हो गया है, काफ़ी जो है स्लो काम कर रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्लो काम कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है गाइस, लेकिन जितने न्यू फीचर्स इसमें, कितने बग्स फिक्स कर दिए Xiaomi के, कितने सारे मतलब जितने भी प्रॉब्लम हो रहे थे सब कुछ फिक्स कर दिए इस अपडेट के आने के बाद। बैटरी ड्रेन भी नहीं हो रही है, कितनी अच्छी से आपकी बैटरी चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये अपडेट परफेक्ट है गाइस, अपडेट कर लो अपने फ़ोन को। जितने भी यूजर्स Redmi K20 के हैं
सब लोग अपडेट कर लो गाइस, ये काफी अच्छा अपडेट है। फाइनली गाइस वीडियो करेंगे ही पेंट और उम्मीद करता है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो पहले लाइक कर दो और सारे फ्रेंड्स को अपने स्वामी के जितने भी फ्रेंड है सबको शेयर करो ये वीडियो। और आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट से रिलेटेड वीडियो और अनबॉक्सिंग से कई सारी वीडियोस में जो है टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।